पर्युषण महापर्व लाइफ के अंदर पांच प्रिंसिपल्स हमको इम्बाइब करना सिखाता है, जिसके थ्रू हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग बनता है, हमारा पर्पस स्ट्रांग बनता है और हमारी मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग बनती है। ये पांच प्रिंसिपल्स है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह। सबसे पहले बात करते हैं अहिंसा की। अहिंसा का सिंपल मीनिंग है नॉन वायलेंस। वायलेंस जो है ना, वो सिर्फ फिजिकल वायलेंस को वायलेंस नहीं कहते, मेंटल स्टेट पर भी जो हम वायलेंस इनिशिएट करते हैं ना, उसे भी वायलेंस ही कहते हैं। जो वायलेंस आप अपने घर के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर आपकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से राइज करते हो ना, उसे वायलेंस कहते हैं और हिंसा कहते हैं। अक्सर होता कुछ ऐसा है कि जब हमारे घर के अंदर होते हैं तो हमारे एक्सपेक्टेशंस हमारे बच्चों से जुड़े होते हैं, हमारे फादर मदर से जुड़े होते हैं, हमारी फैमिली से जुड़े हुए होते हैं। कहीं ना कहीं जब हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं चलती, कहीं ना कहीं जब हमारे थॉट के हिसाब से चीज़ें नहीं चलती ना, तो बाद में हमारा मेंटल स्टेट उस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जिसके थ्रू हमारे वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, हमारी एक्शंस चेंज हो जाती है और हमारे घर के अंदर हिंसा होना स्टार्ट होती है। हिंसा आपने किसी को भला बुरा बोला उससे भी होती है, आपने किसी को इमोशनली हर्ट किया उससे भी होती है, आपने कुछ ऐसा कह दिया जिसके थ्रू आदमी को अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट था वो हर्ट हुआ। सो बाय वन वे और अदर वे, आप जब भी कोई भी इंसान को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हार्म करते हो ना, वो सारी की सारी चीज़ों को हिंसा ही कहते हैं। सेम गोज विद योर ऑफिस एंड बिजनेस टू। आप अपने बिजनेस के अंदर हो, आप अपने ऑफिस के अंदर हो, आपको किसी ने कोई काम दिया, फिर आपने किसी को कुछ काम दिया, जब वो काम टाइम पर पूरा नहीं होता, लेट से जब वो काम की डेडलाइन चली जाती है, तो उसके बाद में होता क्या है, आप अपने मेंटल स्टेट को ये एक्सेप्ट नहीं करवा पाते हो कि जो हुआ ना वो सही नहीं हुआ, और उसकी वजह से आपका गुस्सा होना स्टार्ट होता है, आप छोटी छोटी बात पर अपने इरिटेशन को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते हो, आप इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो कि आपकी लैंग्वेज, आपकी टोनालिटी और आपके व्यू ऑफ एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, और ये सारी चीज़ों की वजह से होता कुछ ऐसा है कि रिश्ते धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं वायलेंस ही सबसे बड़ा रीज़न है कि जो मेजोरिटी ऑफ घर टूट रहा है, ऑफिस टूट रही है, और बिजनेस जो एक्सपांशन होते होते भी एक लेवल पर प्लेटू ला लेता है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है ना वायलेंस है। वायलेंस को लाइफ के अंदर कंट्रोल करने के लिए एक्सेप्टेंस लाना स्टार्ट करो। एक्सेप्टेंस तब आएगा जब आपकी लाइफ के अंदर जो चीज़ हो रहा है, जो जैसी हो रही है ना, उसे वैसे स्वीकारो। अगर आपके अनुसार वो चीज़ नहीं हो रही है ना, तो कोशिश करो उस चीज़ को चेंज करने की, वो समझाते हुए वर्ड्स के थ्रू। अगर यूक्रेन रशिया जैसा वॉर भी सिर्फ राइट डायलॉग से, राइट वर्ड से सॉल्व होने के कोशिश पर और एंड पर आ सकता है, तो इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ सिंपल और सिंपल राइट डायलॉग से ट्रांसफॉर्म हो सकती है, और इससे आप हिंसा को कंट्रोल कर सकते हो और अहिंसा को प्रमोट कर सकते हो। नंबर टू, सत्य, ट्रूथफुलनेस। लाइफ के अंदर है ना, सच बोलना स्टार्ट करो, आपके घर पर, आपकी ऑफिस पे, आपके बिजनेस में और आपके रिश्तों में। अक्सर होता कुछ ऐसा है कि एक बोला वो झूठ, जब आपको उस झूठ को सस्टेन करना होता है ना, तो एक झूठ को छुपाने के लिए आपको वो हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सच को कभी भी याद नहीं रखना पड़ता है और झूठ को हमेशा याद रखना पड़ता है। और झूठ जो स्ट्रेस देता है ना, उसे नेग्लिजिबल जोन भी अगर गिनने के लिए जाओ ना, उतना भी स्ट्रेस आपको सच नहीं देता, बिकॉज झूठ तो क्या है, हमेशा मेंटेनेंस से आता है, राइट। तो आज से है ना, सच बोलना स्टार्ट करो, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, आपकी ऑफिस हो, आपका घर हो या आपका बिजनेस हो, तीनों तीन सेगमेंट के अंदर है ना, जो है वैसे के वैसे बोलना स्टार्ट करो। ये शुगर कोटिंग जिंदगी जो है ना, उसे जीना बंद करो। अक्सर होता कुछ ऐसा है कि लाइफ के अंदर हम एक स्टेज पर पहुंचने के बाद एक शुगर कोटिंग सिनेरियो के अंदर आ जाते हैं। शुगर कोटिंग का सिंपल मीनिंग ये है कि लोगों को इंप्रेस करने के लिए, लोगों को अच्छा लगे उसके लिए हम हमेशा है ना अच्छी अच्छी बातें करते और अच्छे अच्छे वर्ड्स को एक्सप्रेस करते, ताकि उनको ऐसा अच्छा फील हो कि नहीं यार, ये मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचता है। कई बार सच बोला हुआ और सच एक्सप्रेस किया हुआ, ये तीनों तीन सेगमेंट के अंदर ना इमोशनल लिफ्ट, मेंटल स्टेट पर लिफ्ट ऐसी आपको एक्सपीरियंस करवाएगा, जिसके थ्रू जो कल्चर है ना, वो एथिकल कल्चर बनेगा। एट इज रात को नींद अच्छी आएगी और आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कल सुबह उठ के अगर किसी ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो। एक सिंपल एग्जीक्यूशन पैटर्न बताता हूं, अगर सच्ची बात छोटा बच्चा भी अगर आके आपको कहे ना, तो उसे हंसते हंसते स्वीकार करने का करेज रखो। और गलत बात कोई भी बड़ा इंसान भी आकर क्यों नहीं कहे आपको, चाहे उसके लिए कितना भी पैसा क्यों नहीं दे, आपको कैरेक्टर को मोल्ड करने के लिए भी कितना भी क्यों नहीं कहे, अगर वो बात गलत है ना, तो जिंदगी के आखिरी सांस तक उसको लड़ने की कैपेसिटी रखो। अगर ये सिंपल क्वालिटी भी अगर लाइफ के अंदर ला ली ना, तो जो ट्रूथफुलनेस है, सत्य है ना, वो आपकी लाइफ के अंदर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। लाइफ के अंदर
एक सिंपल फिलोसॉफी याद रखो, नीड बेस्ड जिंदगी जीना है या ग्रीड बेस्ड जिंदगी जीना है। जब तक नीड बेस्ड जिंदगी जियोगे ना, आपको अस्थि के रेफरेंस पे उतना ज्यादा ग्रोथ लाने के लिए आपका मेंटल स्टेट या इमोशनल स्टेट है ना, आपको इंस्पायर नहीं करेगा। लेकिन द मोमेंट ऑफ ग्रीड बेस्ड जिंदगी जी होगा कुछ ऐसा, आपका दिमाग हर वो मैन्युपुलेशन करने के लिए तैयार हो जाएगा कि जिसके थ्रू वो चीज को हासिल करने के लिए आप कोई भी लेवल पर चले जाओगे। सो लाइफ के अंदर ना पॉलिटिक्स खेलना बंद करो, अपने घर के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर। पॉलिटिक्स इंसान तभी खेलता है कि जब ग्रीड बड़ी होती है, और जब ग्रीड बड़ी होती है ना, तो उस ग्रीड को अचीव करने के लिए आपका दिमाग हर वो सेगमेंट में आपको मैन्युपुलेट करेगा कि जिसके थ्रू आप अपने मेंटल स्टेट को खोलो और आप अपनी इंटरनल क्वालिटी जो है उसे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करो। नीड और ग्रीड का सिंपल मीनिंग ये है कि लिखना एक बुक के अंदर एक नॉर्मल 10 रुपए की पेन से भी हो सकता है, 1,000 रुपए की पार्कर से भी हो सकता है, और 10,000 रुपए की मोंट ब्लैंक से भी हो सकता है। बट चूज आपको करना है लुकिंग ऑन टू योर सिचुएशन कि ये तीन में से कौन सी चीज करंट स्टेट पर आपकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप अगर पार्कर से काम चला सकते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज 10 लोग आपको देखेंगे और आप उससे इंस्पायर होंगे, उसके जैसे अगर आप मोंट ब्लैंक खरीदते हो ना, तो आप ग्रीड बेस्ड जिंदगी जी रहे हो। ऐसे काफी सारे डिसीजंस आपकी लाइफ के अंदर है ना, आपने ग्रीड बेस्ड दिए हैं। आपकी लाइफ का मेजोरिटी ऑफ स्ट्रेस अगर मैं आज भी बोलूं ना, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीड बेस्ड डिसीजन की वजह से ही है। नंबर 4th, ब्रह्मचर्य। ये सबसे डिफिकल्ट क्वालिटी है, लेकिन पर्युषण महापर्व के अंदर मेजोरिटी ऑफ जैन कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट 8 दिन 10 दिन तक इस क्वालिटी को जिंदगी में इम्बाइब करें, ताकि मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ और रिश्तों की जो स्ट्रेंथ है वो रिजुविनेट होना स्टार्ट हो और लाइफ ज्यादा स्टेबल स्टेज पर आए। ब्रह्मचर्य सिर्फ और सिर्फ फिजिकली नहीं होता, ब्रह्मचर्य मेंटल स्टेट से भी होता है कि जब आप अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल ला लेते हो ना, तो समझ लो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आ जाती है। सो महीने के अंदर अगर आपने मिनिमम 10 डेज भी मेंटल स्टेट पर, इमोशनल स्टेट पर और फिजिकल स्टेट पर ये क्वालिटी को अगर इम्बाइब करना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपका जो कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारा का सारा सिनेरियोस जो है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस की रेस पे है ना, रोज आपको एक स्टेप आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ब्रह्मचर्य को लाइफ के अंदर ना एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। 5th, अपरिग्रह। सबसे डिफिकल्ट और सबसे निग्लेक्टेड जोन ऑफ लाइफ। अपरिग्रह का सिंपल मीनिंग ये होता है कि नॉन पॉजेसिवनेस, सिंपल वर्ड कहूं तो इसे डिटैचमेंट कहते हैं। लोगों से, परिस्थितियों से और इमोशन से डिटैच होना स्टार्ट हो जाओ। डिटैचमेंट जिंदगी का इतना बड़ा सच है जिससे हम सभी लोग है ना हमेशा भागते रहते हैं। डिटैचमेंट को लाइफ की एक रियलिटी है ना, ये समझ के उसे एक्सेप्ट करो। हर महीने थोड़ा थोड़ा टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट करो और चीजों से, परिस्थितियों से डिटैच होना स्टार्ट हो जाओ। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि इतने डिटैच हो जाओ कि आपकी जिंदगी में इमोशंस ही ना रहे, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि उतने डिटैच हो जाओ कि जिसके थ्रू कि आपकी जिंदगी में कोई हो या कोई नहीं हो, कुछ अचीव हो या कोई अचीव नहीं हो, आपका मेंटल स्टेट है ना हमेशा न्यूट्रल स्टेज पर रहे, ताकि आप अपने जिंदगी के एक एक मोमेंट के अंदर है ना आपकी एक एक ब्रीदिंग को फील कर पाओ, एक्सपीरियंस कर पाओ और अपनी लाइफ को रोज स्पिरिचुअली, मेंटली और इमोशनली एक स्टेप आगे लेके जाओ। अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 में से कोई भी 2 क्वालिटी अपनी लाइफ के अंदर आज से ही इम्बाइब करना स्टार्ट करो। कमेंट के अंदर जरूर मेंशन करना कि आप 5 में से कौन सी 2 क्वालिटी को आज से ही स्टार्ट कर रहे हो, राइट? और ये क्वालिटी को द मोमेंट आप 6 महीने, 8 महीने, 1 साल या मिनिमम 3 महीने भी अगर सस्टेन करोगे ना, आप देखोगे आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे, आपकी इमोशंस चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका कल्चर चेंज हो जाएगा और आपकी लाइफ एक अलग लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए तैयार हो जाएगी। जल्द मिलते हैं पर्युषण महापर्व के और एक एपिसोड के साथ, कुछ और डेप्थफुल नॉलेज और एग्जीक्यूशन पैटर्न के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ मी साजन शाह ऑन द सेम चैनल।